हेलो दोस्तों, हम हैं आपके दोस्त सरोज और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैंगोमैन। तो दोस्तों, हम एक और रिएक्शन लेके आ गए हैं सिर्फ आप लोग के लिए, और ये भी आप लोग की पसंद का है। जी हाँ, ये आपकी पसंद का रिएक्शन है और काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि हमारी बचपन की यादों को ताजा करता है। जी हाँ बिल्कुल, ये स्कूल लाइफ से रिलेटेड है, तो बिल्कुल आपको वो सब देखने को मिलेगा जो आपने स्कूल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो फिर जानते हैं वीडियो का टाइटल क्या है। वीडियो का टाइटल पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो वीडियो का टाइटल है पेरेंट टीचर मीटिंग। तो जानते ही हैं कि जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। अब तो लगता था बस वो कयामत की रात आ चुकी है तो या तो ये हमारी आखिरी रात हाँ, तो बस मतलब ऐसा फील होता था। तो वैसा ही कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीडियो से, देखते हैं एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी होती है कि नहीं। तो शुरू करते हैं रिएक्शन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, ये मेरे पापा। नमस्कार, आपको शायद पहले कहीं तो देखा है मैंने। सर, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अखबारों में देखा होगा फोटो इनका। अच्छा, ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो आप? घंटी बजाना क्या? घंटी बनाने की फैक्ट्री होगी, तरह तरह की घंटियां घंटा बनाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, रामू दो चाय लेके आ मलाई मार के। जी लाया सर। सत्यानाश। रामू निकल यहां से। सॉरी सर, सॉरी, रुक अभी तेरी घंटी बजाता हूँ। अयो नमस्कार सर जी। ये कौन है? सर मेरे पापा। इधर तो आना, मुझ असली है ना। अयो पागल हो गए क्या सर जी? सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, पिछली मीटिंग में मेरे प्यून को अपना बाप बना के लाया था आपका बेटा। अयो तुझे प्यून ही मिला बाप बनाने के? हाँ तो आप कौन सा हवाई जहाज उड़ाते हो, रिक्शा तो चलाते हो? अरे आपका बेटा किसी और को अपना बाप बना के लाया था, और आप क्या कंपैरिजन खेल रहे हो इधर? तू घर से बताता हूँ तेरे को। कल मैंने क्लास में एक सवाल पूछा, गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? तो आपका बेटा बोलता है स्कूल आने के लिए घर से निकलती है और पुराने टंकी के पीछे पिंटू से मिलती है। अयो सही तो बोला, आपको भी आपके स्टूडेंट पे ध्यान रखना चाहिए ना। अरे वो गंगा मैडम और पिंटू सर की बात कर रहा था, क्लास में ध्यान नहीं है, लेकिन किसका किसके साथ लफड़ा चल रहा है सब कुछ मालूम है इसको। क्लास में रोज 1 बजे के आसपास फोन में कुछ देखता रहता है और बीच में चिल्लाता है मैं जीत गया, जैसे कोई लॉटरी लगी इसे। सर लॉटरी लगती है, ये वीमेन ऐप है जिसमें दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों ने वीडियोस डाली है। इसमें वी मॉल होता है, इसमें रोज दोपहर 1 बजे सैमसंग गैलेक्सी फोन और घड़ी जैसे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। क्या अफ्रीका के जंगलों से आया हूँ मैं, ऐसे कैसे कोई फोकट में गिफ्ट देगा। सर आपको बस कभी कभी वीडियोस डालनी है, वैसे भी आप जोकर से कम नहीं दिखते, कुछ वीडियोस पे कमेंट कीजिए और रोज दोपहर 1 बजे गिफ्ट सीखिए। क्या नाम बोला है आपका? वीमेट ऐप। अभी डाउनलोड करता हूँ, घर पे एक नई स्त्री लेके जाऊंगा, कोयले से पिछवाड़ा जल गया मेरा। अयो सर जी देखा मेरा बेटा कितना होशियार है। हाँ होशियार तो है, क्लास में सारे सब्जेक्ट में शान बैठेगा, बायोलॉजी की मिस गीता के लेक्चर में हर 2 मिनट पे क्वेश्चन पूछेगा। अयो क्वेश्चन पूछना तो अच्छी बात है ना। अरे वो मिस गीता मुझे बोलती है शरीर के गुप्त अंगों के बारे में जितनी बातें मैं अपने पति से नहीं करती उतनी इसके साथ करनी पड़ती है। एक दिन आपके लाल साहब ने बायोलॉजी प्रैक्टिकल में ह्यूमन इंटरकोर्स का प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन मांगा, बेचारी मिस गीता ने पढ़ाना छोड़ दिया, स्कूल के बाहर चने फुटाने का ठेला लगा के बेच रही हो। अयो फिर ऐसे अनपढ़ टीचर को क्यों रखते हो आप? अरे ह्यूमन इंटरकोर्स वो प्रैक्टिकल है जो आपने अपनी बीवी के साथ किया था, तब जाके महाशय पैदा हुए। और क्या पैदा किया है, स्कूल में क्लासरूम में कम बाथरूम में ज्यादा रहता है आपका बेटा, हर 5 मिनट में इसको सुसु लगती है, और जाएगा तो अकेला नहीं और 3 लोंडों को साथ लेके जाएगा। क्या परेशानी क्या है, अकेले पकड़ नहीं पाते जो 6-6 हाथ लगते हैं, स्कूल की टंकी में इतना पानी नहीं है जितना इसकी नुन्नू से निकलता है। फिर एक दिन मुझे शक हुआ तो मैं इनके पीछे पीछे गया, तो बाथरूम में से किसी लड़की की आवाज आ रही थी, हेल्प हेल्प गेट टू द सेफ जोन। मैं अंदर गया तो देखा चारों बच्चे छन्नास के कमोड़ में स्क्वाड बना के पबजी खेल रहे थे, और जैसे ही मुझे देखा एनिमीज अहेड बोल के खिड़की से भागे। अरे 4-4 घंटे बिताते हैं ये संडास में, वो प्रिंसिपल बेचारा पैंट में हक दिया इनके चक्कर में। अयो कल से तेरा मोबाइल बंद। सॉरी पापा। एक दिन क्लास में मैंने सवाल पूछा 15 अगस्त को क्या होता है, तो बोलता है सेकंड गेम्स का सीजन 2 आ रहा है। मैं बोला प्रिंसिपल से कैसे शिकायत करूंगा, तो बोलता है वो भी अपन का कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि अपन उसके भी ऊपर है। प्रिंसिपल से ऊपर हो आप, फिर मेरी पगार भी आप ही देते होंगे माय बाप। नहीं सर सॉरी सर। अरे क्या सॉरी, ये देखिए इसका आंसर शीट, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था शनि ग्रह के पृथ्वी को होने वाले फायदे और नुकसान लिखिए। आपका बेटा लिखता है आप शनि के पास जाओ या शनि के पास, फायदा सिर्फ तेल वाले का होता है। क्या पापा वो शनि पे तेल चलाते हैं हम शनिवार को? अयो कितना बड़ा भक्त है मेरा बच्चा। हाँ इसका भक्त दिख रहा है पेपर में। एक दिन बारिश हो रही थी, मैंने इसको बोला बेटा वो मेरे फोन में जरा ओला उबेर डाल लेना,
तो इसने फेक टैक्सी करके कुछ डाला। जैसे ही मैं टैक्सी में बैठा, दो लड़कियां मेरे पे चढ़ गई। जैसे तैसे करके मैं अपनी इज्जत बचा के घर तो पहुंच गया। मेरी बीवी ने मेरे शर्ट पे लिपस्टिक के दाग देख लिए। फिर जो मेरी बीवी ने मुझे आरकेओ, चॉकस्लैम और सुपरमैन पंच दिया है ना, आज भी वो रात याद आती है तो मेरे खड़े हो जाते रोंगटे। बस अब मेरे से सहन नहीं होता। अयो तो फिर छोड़ दीजिए ना बीवी को। अरे आपके बेटे स्कूल से निकालना पड़ेगा, चलो प्रिंसिपल के पास। नहीं सर। अयो इतनी सी बात के लिए मेरे बच्चे को स्कूल से क्यों निकालते हो जी? आपकी बीवी से मैं बात करूंगा कि इसने फेक टैक्सी वाली शरारत की थी। आपकी बीवी वही है ना जी, वो मैथ्स वाली टीचर? नहीं। अयो लेकिन मैंने आपको उनके साथ बहुत बार घूमते हुए देखा है जी। क्या? चलो पहले आपके बीवी के पास जाते हैं, फिर प्रिंसिपल के पास जाते हैं। अरे रहने दो बेटा, तुम तो कितने होनहार स्टूडेंट हो, तुम्हें कौन निकालेगा? मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं नहीं सर, पबजी खेलता हूँ ना मैं। हाँ तो उसमें क्या बुरी बात है, हर कोई खेलता है। मैं खुद तुम्हारे साथ कल से कमोड पे बैठकर पबजी खेलूंगा। अयो और वो बायोलॉजी प्रैक्टिकल? अरे जनरल नॉलेज तो अच्छी बात है ना, कल मैं खुद तेरे सामने अपना कच्चा खोल के बैठूंगा। तू एटेक्स लगा के तेरे को जो देखना है देख, लेकिन अभी चले जाओ यार। अयो और वो गंगा बहती उसका क्या? कौन गंगा, किसकी गंगा? मैं किसी गंगा, बंटी, घंटी किसी को नहीं जानता। ये रामू लेके जा रहे इनको। अयो चलो जी, चलो चलो। तो हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। अगर आप भी टी मॉल पे रोज शॉपिंग करना चाहते हो तो वीडियो ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। दोस्तों ये था पेरेंट टीचर मीटिंग। पर इसमें पेरेंट टीचर मीटिंग जैसा कुछ था ही, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे दिनों में जो होता था वैसा, मतलब वो बच्चे डर जाते थे और मतलब जो टीचर उनकी खूब सारी शिकायतें करेंगी और फिर पेरेंट्स उन्हें डांटेंगे, और वैसा कुछ मतलब मोमेंट आएगा। पर वैसा कुछ इसमें आया नहीं। इसमें तो पता नहीं क्या क्या, पबजी को भी इसमें डाल दिया है, सीक्रेट गेम्स को भी इसमें डाल दिया, और मतलब वैसे इसमें उल्टा ही दिखाया है कि बच्चे डरा रहे हैं टीचर्स को और पेरेंट्स उनका सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही मिलके टीचर की फिरकी ले रहे हैं। नहीं तो ऑब्वियसली ऐसा होता था टीचर और पेरेंट्स दोनों मिलके एक के ऊपर, बट यहाँ दोनों। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो फिर रिएक्शन हम इस वीडियो पे कर चुके हैं। तो हम जैसा एक्सपेक्ट करे थे वैसा तो हमें मिला नहीं। पर शायद से इसका मतलब शायद से ये रीज़न हो सकता है कि हम स्कूल छोड़े काफ़ी साल हो गए और उस समय फ़ोन वोन कुछ था नहीं, और इसीलिए उसमें बातें कुछ दूसरी होती थी। पर आजकल मतलब स्कूलों में फ़ोन वोन बच्चे ले आते स्मार्टफोन, शायद से बाथरूम में छुप के खेलते होंगे पबजी, तो फिर शायद से इसीलिए हम उस चीज़ से कनेक्ट हो नहीं पाए। तो मतलब इसका ये रीज़न हो सकता है। पर रिएक्शन हम कर चुके हैं, उम्मीद है आप लोग को भी इतना ही मज़ा आया होगा हमारा रिएक्शन देख के। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि आपको सारे फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।